Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Veith. Today I will discuss the muscle that is biceps brachii. If we talk about biceps brachii, biceps as the name shows के biceps यानी इसके दो heads होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम biceps है. और normally जो होते हैं और अगर आपने weight lifters में सुना हो तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि biceps muscle basically जो weight lifters जो arm के muscles बनाते हैं that is biceps muscle. इसको जो है मेन जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का जो मसल है दैट इज़ बाइसेप्स ब्रेकी. लार्ज मसल है, थिक मसल्स है, पूरा जो आर्म का इंटीरियर कंपार्टमेंट है इसने बहुत ज़्यादा कवर किया होता है. इसके दो हेड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड. शॉर्ट हेड की हम बात करें तो ये क्रैकर ब्रेकियालिस मसल होता है, वो भी आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है. उसके साथ ये अराइज हो रहा होता है कहाँ से, टिप ऑफ कोरकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. यानी स्कैपुला जो बोन है उसका जो कोरकॉइड प्रोसेस है उसकी टिप से आपका जो शॉर्ट हेड है बाइसेप्स ब्रेकियाई वो भी ओरिजिनेट हो रहा है एंड साथ साथ क्रैकर ब्रेकियालिस मसल भी ओरिजिनेट हो रहा है. लॉन्ग हेड की बात करें तो लॉन्ग हेड आपके स्कैपुला के सुप्राग्लेनॉइड टबर्कल से ओरिजिनेट हो रहा होता है और साथ साथ ग्लेनॉइड लेब्रम से ओरिजिनेट हो रहा होता है. तो आप देखें ये जो पूरा जो मसल है इसके ओरिजिन देखें, इस मसल ने स्कैपुला बोन से ओरिजिनेट हुआ और ये इंसर्ट होता है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर रफ पार्ट पे. यानी जो रेडियल बोन है उसका जो वहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके भी पोस्टीरियर रफ पार्ट पे ओरिजिनेट हो रहा है. अगर हम इसको देखें स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर आपकी रेडियस बोन पे इंसर्ट हो रहा है तो आपके दो जॉइंट इसने कवर किए हुए हैं, एक आपका शोल्डर जॉइंट है और एक आपका एल्बो जॉइंट है. तो इसके फंक्शंस भी अकॉर्डिंगली इस हिसाब से ही है जिस तरह इसने दो जॉइंट्स कवर किए हुए हैं. बाइसेप्स ब्रेकियाई की नर्व सप्लाई देखें तो दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 एंड C6. अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. इफ वी टॉक अबाउट इट्स एक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आर्म फ्लेक्स्ड कर रहे होते हैं, आपने आर्म को जब आप फ्लेक्स किया मोड़ा और तब जो है आर्म फ्लेक्स करके अगर आप सुपिनेशन मूवमेंट कर रहे हैं तो तब जब आपका आर्म फ्लेक्स्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर के तौर पे बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल एक्ट कर रहा होता है. और जितने भी स्क्रिंग मूवमेंट है, आप छोटी छोटी मूवमेंट होती है स्क्रू टाइप, फॉर एग्जांपल जो स्क्रू कसना आपने देखे या आपके जो ढक्कन खोलना हो गया, जो भी छोटी छोटी स्क्रू टाइप वाली मूवमेंट्स हैं स्क्रूइंग मूवमेंट, वो तमाम बाइसेप्स ब्रेकियाई कर रहा होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्बो का फ्लेक्सर्स है, यानी एल्बो जॉइंट पे हम जब फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं तो बाइसेप्स ब्रेकियाई हो उसकी वजह से हो रही होती है. और अगर हम इसके शॉर्ट हेड की बात करें वो आर्म की भी फ्लेक्शन करवा रहा होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो लॉन्ग हेड है साथ साथ जो अपनी ह्यूमरस है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अब ह्यूमरस के हेड को अपर डिस्प्लेसमेंट से रोक रहा है. ऊपर जो आपकी ह्यूमरस है अपर डिस्प्लेस नहीं हो रही है उसमें बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एल्बो फ्लेक्स की हुई है. एल्बो फ्लेक्स करके जब आप सुपिनेशन कर रहे हैं तो आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है. और एल्बो फ्लेक्स्ड कर रहे हैं तो बाइसेप्स ब्रेकियाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप एल्बो एक्सटेंड कर रहे हैं तब आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई रिलैक्स है. तो अगर हम बाइसेप्स ब्रेकियाई के ओवरऑल समराइज करें तो इसके दो हेड्स हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड. शॉर्ट हेड आपका टिप ऑफ कोरकॉइड प्रोसेस से स्टार्ट हुआ और लॉन्ग हेड आपका सुप्राग्लेनॉइड टबर्कल ऑफ स्कैपुला एंड ग्लेनॉइड लेब्रम से स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी रेडियस बोन पे इंसर्ट हो रहा है. नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है. एक्शन स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन द फोरआर्म इज फ्लेक्स्ड. जितनी भी स्क्रिंग मूवमेंट है डैट इज डन बाय बाइसेप्स ब्रेकियाई. एल्बो का फ्लेक्सर भी है, आर्म का फ्लेक्सर भी है, लेकिन आर्म का फ्लेक्सर कौन सा हेड है, शॉर्ट हेड. और साथ साथ आपके हेड ऑफ ह्यूमरस को अपर डिस्प्लेसमेंट होने से रोक रहा है. दैट्स ऑल अबाउट बाइसेप्स ब्रेकियाई. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.